पहले डायरेक्टर्स अपनी फिल्मों को हिट करवाने और खूब पैसा कमाने के लिए इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते थे और बाद में इन फिल्मों पर खूब बवाल भी होता था, यहाँ तक कि फिल्मों को बैन करने तक की बात उठ जाती थी। लेकिन अब लोग पैसा कमाने के लिए हिंदू देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ रहे। आज फिल्म मेकर लीना मिनकलाय की फिल्म के पोस्टर पर लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। दरअसल फिल्म के पोस्टर में एक अदाकारा को काली माँ की वेशभूषा में दिखाया गया है और वो सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रही है। उनके एक हाथ में त्रिशूल को पकड़ाया गया ताकि पता चल सके कि ये कालिमा है। पोस्टर रिलीज होते ही विवादों में आ गया, लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि लोगों ने इस फिल्म को बैन करने तक की मांग उठा दी है। इसके साथ ही इस फिल्म की डायरेक्टर लीना मिनकलाय को अरेस्ट करने की मांग लोग लगातार कर रहे हैं। कुछ धर्म के लोगों ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया है कि लीना मिनकलाय ने उनके हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। आप इस पोस्टर पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स में जाकर जरूर बताएं।